सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल चुका है, लेकिन अब आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, क्योंकि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी वो 27/12/2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि आपके फॉर्म की जो लिंक वगैरह है वो आप सभी को वहां पे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कब तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और किन कारणों से ये लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, एग्जैक्ट मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप सभी को ध्यान में रख के चलनी है और गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं। अब आगे बढ़ाते हैं कि 27 दिसंबर से ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन जो मेन चीज है जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं एज रिलैक्सेशन की वजह से, जिससे कि अभी तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हो पाई है। क्योंकि देखो, आप सभी को बताया कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जैसे कि वहां पे अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है और जिसका जैसे जनरल क्राइटेरिया है और 18 से 22 है, केवल वही उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाता, लेकिन अभी क्या है कि उसे चेंज करके ये करना पड़ेगा कि 18 से 25, यानी कि सभी का जो एज क्राइटेरिया है वो 3-3 साल बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपका जो एज क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे बाय डिफॉल्ट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो वहां पे सेलेक्ट करें। इसके लिए उसके जो सर्वर वगैरह में होंगे वो चेंजेस किए जाएंगे, और इसके लिए पहले से एक सर्वर होगा जो पहले तैयार किया होगा, अब उसमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस करने की वजह से ही यहाँ पे अभी तक जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाई है। मैंने कंफर्म कर लिया इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि कब तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आज रात तक यहाँ पे होने के पूरे पूरे चांस हैं, और ये भी क्लियर हो चुका है कि इन केस अगर आज आपकी लिंक एक्टिवेट नहीं होती है तो एक दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका जो टाइम होगा वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी लिंक 28 तारीख से एक्टिवेट होती है तो आप ये समझिएगा कि एक दिन आपका आगे बढ़ा दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यानी कि लास्ट डेट आई थिंक आपकी 16 जनवरी है, तो 16 जनवरी की जगह फिर 17 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे ये भी चीज एकदम से क्लियर है, बट उम्मीद है कि आज रात तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी और फिर आप उसके बाद इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चीज के साथ एक और चीज मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंगे क्या कि जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में रहेंगे कि जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो। तो देखो, कॉमन सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि जो पहले फॉर्म अप्लाई करेगा उसी को नौकरी मिलेगी, नौकरी तो जो सबसे लास्ट में फॉर्म अप्लाई करेगा उसे भी मिलेगी, यानी कि जो मेरिट में आएगा उसी को मिलेगी। सीधी सी बात है, जो अच्छे नंबर लेके आएगा अच्छी तैयारी करेगा, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी में होगा क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आपकी किसी भी चीज में डाउट है तो 1 से 2 दिन का आराम से समय लो और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करो। तो यहाँ पे जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल पहले प्रोसेस को समझो कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म में कम से कम गलती होने की गुंजाइश रहेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेके अप्लाई करना है, जल्दी में ऐसा ना हो जैसे लिंक एक्टिवेट हो आप जाके सर्वर पे तुरंत से पहुंचो और फॉर्म अप्लाई कर दो, जबकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं। अगर नहीं पता है तो उसका पहले आपको कंफर्म करना है, और बहुत सारी वीडियोस आपको अलग अलग चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी। जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि इस चीज के लिए क्या ऑप्शन आपको चूज करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करना, तो ज्यादा जल्दी आपको करनी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि रात तक आपकी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगी आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सुबह से बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।